नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय द्वारा काफी लंबे समय के बाद 2 वर्ष का एमए इन मास कम्युनिकेशन कोर्स शुरू हो चुका है और विधिवत इसकी पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। अब पहला सेमेस्टर का एग्जामिनेशन भी कुछ दिनों के बाद होने वाला है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो एमए इन मास कम्युनिकेशन सत्र 2017-19 में नामांकन लिए हुए हैं और जिन्हें एग्जामिनेशन देना है सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन। सभी प्रतिभागी मन ये निश्चित रूप से जान लें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। यूं तो नियमित रूप से फैकल्टी गण द्वारा क्लासेस लिए गए और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बहुत कम प्रतिभागी उस कक्षा में उपस्थित हुए। यदि सारे प्रतिभागी प्रत्येक कक्षा में उपस्थित होते तो निश्चित रूप से जो सेमेस्टर फर्स्ट का जो हम लोगों ने एक रूटीन बनाया था और जो चैप्टर वाइज हम लोगों ने पढ़ाने के लिए टॉपिक चुना था, आज के तारीख में आप सभी परिपूर्ण रहते, आराम से एग्जाम से बैठ देते। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बहुत कम ही प्रतिभागी द्वारा क्लास अटेंड किया गया। अब चूंकि परीक्षा फॉर्म कुछ दिनों के बाद भराने हैं और एग्जामिनेशन भी 1 हफ्ता के बाद आपका हो जाएगा, ठीक, एग्जामिनेशन फॉर्म भराने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली जून 15 तक आप लोग एग्जामिनेशन संपन्न हो जाएगा। आप सभी यह निश्चित रूप से माइंड सेट कर लें कि हमें क्या पढ़ना है। पत्रकारिता एवं जनसंचार 2 पार्ट हो गया, एक तो पत्रकारिता संबंधी चैप्टरों को पढ़ना है और एक मास को यानी जनसंचार के बारे में मुझे पढ़ना है। आप सभी सर्वप्रथम पत्रकारिता का इतिहास निश्चित रूप से पढ़ लें। पत्रकारिता के इतिहास में भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी, पत्रकारिता के शुरुआती समय में कौन कौन शख्सियत पत्रकारिता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इन सभी को निश्चित रूप से पढ़ लेंगे। जनसंचार के सिद्धांत के बारे में अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे, वो इससे संबंधित कुछ प्रश्न आ सकते हैं। प्रिंट मीडिया में संपादक से लेकर के अखबार छपने तक पूरी डिटेल जो आपको समझाया गया है उसको पढ़ना। संवाददाता कैसे होने चाहिए, क्या काम करते हैं, क्या गुण है, संपादक के क्या क्या काम है, संपादक अपने संपादकीय विभाग में कैसे किन किन अधिकारियों से काम लेता है, ये पूरी सिस्टम मतलब समाचार पत्र का पूरा एक जो सिस्टम है उसको जानकारी प्राप्त करनी है। समाचार पत्र में एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो गया संपादकीय विभाग। संपादकीय विभाग, विज्ञापन विभाग, उत्पाद विभाग, प्रबंध विभाग, प्रसार विभाग, इन सब के बारे में टॉपिक वाइज को हम सभी को जानना है। इसके अलावा आपके पास यदि कोर्स ऑफ स्टडी है तो कोर्स ऑफ स्टडी को जरूर पढ़ें। कोर्स ऑफ स्टडी को एक बार नहीं 1000 बार पढ़ें फर्स्ट सेमेस्टर का। जब तक आप कोर्स ऑफ स्टडी नहीं पढ़ेंगे तब तक हम और आप नहीं बात कर सकते। तो किसी भी कीमत पर आप 24 घंटे के अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर का जितने भी जो सब्जेक्ट हैं और जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं उन सभी को माइंड सेट कर लें। निश्चित रूप से ये अगर आप सेट कर लेंगे तो आपको पढ़ने में सुविधा होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैकल्टी आपको पढ़ाए हैं टॉपिक वाइज हैं उनको आप बढ़िया से रफ कर लीजिए। दूसरा, टॉपिक वाइज इंटरनेट में आप सर्च करें, यदि कुछ मैटर मिले तो उसका अध्ययन करें, कुछ लिखें, ठीक है। उसके अलावा यूं तो हिंदी पत्रकारिता बुक्स बहुत कम मिलते हैं, उसके बावजूद भी पता करें
यदि संबंधित बुक्स अगर कहीं आपको प्राप्त हो जाता है तो उसका भी अध्ययन करें, क्योंकि अभी आपको 3 सेमेस्टर का और एग्जामिनेशन देना है, मतलब कुल 4 सेमेस्टर आपको एग्जामिनेशन देना है, 1 सेमेस्टर यही आपके 15-20 दिन के अंदर हो जाएंगे। हम लोग फिर आपसे सेकेंड सेमेस्टर में बात करेंगे जब आप फर्स्ट सेमेस्टर पास करें। एक बात और ध्यान दें, क्योंकि एमए इन मास कम्युनिकेशन 4 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आपको देना है। 4 सेमेस्टर देने के लिए सबसे जरूरी है कि 3 सेमेस्टर पूरी तरीके से आपको पास होने अनिवार्य है। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देते हैं अगर फेल कर जाते हैं तो भी आप सेकेंड सेमेस्टर में नामांकन ले सकते हैं, लेकिन आपको पहले सेमेस्टर जो है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लियर करते हुए फोर्थ को आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन देंगे, तब आपको फाइनल डिग्री मिलेगी। हम लोग अभी बीए का फाइनल एग्जामिनेशन हो जा रहा है, इसी वर्ष जो है हम लोग एमए मास कम्युनिकेशन का फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन लेंगे। तो जो प्रतिभागी इसमें असफल रहते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, वो फिर उनके साथ परीक्षा देंगे। तो अभी भी समय कम है इसकी महत्ता को समझाने। एमए मास कम्युनिकेशन बहुत ही डैशिंग सब्जेक्ट है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय जी का, जिन्होंने नीलाम्बर पीताम्बर में अपना पदभार ग्रहण करते ही वो इस बात को सर्वोत्तम समझे और उन्होंने पीजीडीएमसी जो 1 साल का कोर्स था उसको 2 साल का कोर्स कराया। हम सभी उनके बधाई हैं, आभारी हैं, बधाई भी देते हैं और आभारी भी देते हैं। साथ ही अभी जो वर्तमान प्रभारी डॉक्टर एनके सिंह हैं, वो भी बहुत जब से उन्होंने पदभार मिला है तब से काफी अपने लगन से वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि विभाग और बेहतरी की ओर बढ़े। उन्हीं का आज मेहनत का प्रतिफल है कि पत्रकारिता विभाग में एक दिन भी क्लासेस अनुपस्थित नहीं होती, प्रतिदिन क्लासेस होती है, रूटीन से चल रही है और जितने फैकल्टी हैं सभी तन्मयता से आते हैं और पढ़ा रहे हैं। बस जरूरत है जितने प्रतिभागी हैं वो अपनी क्लास में उपस्थित हो और इस बात को समझे, क्योंकि क्लासेस अटेंड करना ये बहुत ही जरूरी है। यदि आप क्लास अटेंड करेंगे तो निश्चित रूप से आपका माइंड सेट होगा, तो आपको एक लिखने में सुविधा होगी। धन्यवाद।